क्लास नाइन्थ इंग्लिश बिहेव लेसन टू द साउंड ऑफ म्यूजिक के अंतर्गत पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान में किताब से अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सन 2001 में वह भारत का सबसे उच्च नागरिक एवार्ड भारत रत्न इन्होंने प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण एवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। आइए इनका हम बचपन से किताब के माध्यम से अध्ययन करते हैं। एज ए 5 years old बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पांड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरान इन बिहार। बिहार में एक डुमरान क्षेत्र है। 5 वर्ष की अवस्था में एक पांड के नज़दीक गिल्ली डंडा खेलने का काम करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारीजी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता। वे नियमित रूप से बिहारीजी टेम्पल में भोजपुरी चैता गाया करते थे और साथ में शहनाई का भी आनंद लेते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। इस भोजपुरी चैता के समाप्त होने पर भोजपुरी जो संगीत होता था उसकी समाप्ति के बाद उन्हें लोकल महाराज के द्वारा 1.25 kg का लड्डू प्रदान किया गया था। यह उनको इनाम के रूप में मिला था। दिस हैपन्स 80 years ago। यह कहानी लगभग 80 वर्ष पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न। मीन्स 80 वर्ष की पहले की कहानी है जब यह बालक भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए यात्रा कर रहे थे, अपने जीवन से संघर्ष कर रहे थे। बॉर्न ऑन 21 March 1960 बिस्मिल्ला बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्ला खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया डुमरान क्षेत्र है, बिहार में पड़ता है। वे अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके परिवार में सभी लोग म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ थे, जैसे कि हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वे भोजपुर राजा के कोर्ट में शहनाई नवाज के नाम से जाने जाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वेयर आल्सो ग्रेट ए शहनाई प्लेयर। उनके पिताजी पैगंबर बख्श और दूसरे अन्य पैतृक पक्ष के भी लोग महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टूक टू द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। मीन्स ये छोटा बालक अर्ली लाइफ से ही संगीत में इंटरेस्ट लेने लगा। एट द एज ऑफ द 3 व्हेन हिज द मदर टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी। मीन्स जब बिस्मिल्ला खां केवल 3 वर्ष के थे, 3 वर्ष की अवस्था में अपने मम्मी के साथ वे अपने मामा के घर, जहां उनके मामा का घर बनारस में ही था, बनारस पर ले गई। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्ला खां अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकंपनिंग हिज अंकल।
तो शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा के साथ म्यूजिक सुनने के लिए शुरू कर दिए, जिनका नाम था अली बख्श। अली बख्श ऐसे मामा थे जो जिनकी ज्वाइनिंग विष्णु टेम्पल में हुआ था। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल टू बनारस वेयर बख्श वॉज इम्प्लायड टू प्ले शहनाई। मीन्स अली बख्श एक ऐसे शहनाई वादक के रूप में नियुक्त किए गए थे विष्णु मंदिर में। वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां लगातार या बराबर जाया करते थे उनके साथ। अली बख्श वुड प्ले शहनाई या बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर हावर्स ऑन एंड। जब तक अली बख्श शहनाई का वादन करते थे, शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां घंटों जब तक समाप्त नहीं हो जाता था शहनाई की संगीत, तब तक वे बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। मीन्स धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र बजाने में पाठ लेना प्रारंभ कर दिया और पूरे दिन बैठे अभ्यास किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड बैंक्स ऑफ द गंगा बिकम द यंग्स अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। मीन्स एक टेम्पल है बालाजी और दूसरा मंगला मैया, गंगा जी का किनारा भी है। इस यंग लड़के के लिए वहाँ अभ्यास करने के लिए एक अच्छा फेवरेट हंट्स कहा गया है, माने एक प्रिय अड्डा बन गया था उसका। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड का मतलब एकांत में उनके लिए अभ्यास करने का एक बहुत प्रिय स्थान बन गया था। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रॉक्स दैट वेयर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। मीन्स कहने का मतलब गंगा के बहते जल ने, माने फॉलोइंग वाटर, गंगा के बहते जल ने उन्हें नए रागों में एकाएक परिवर्तन करके नवीन रागों की रचना करने, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था, गंगा की बहते जल ने उनको प्रेरणा दी। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकंपनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां अपने पिता के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन हो रहा था। उस संगीत सम्मेलन में ले गए एट द एंड ऑफ द हिज रिसिटल। रिसिटल का मतलब होता संगीत समाप्त होने पर रिसाइटल एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल मीन्स संगीत समाप्त के बाद उस्ताद फैयाद खान पैटेड द यंग्स बॉय बैक। तो वहाँ पर उस्ताद फैयाद खान एक संगीतकार थे, इस युवा लड़के की पीठ को थपथपाए और कहे, क्या कहे, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो और तुम अवश्य ठीक कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 मीन्स लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के आरंभ के साथ बिस्मिल्लाह को एक बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ। ही सून बिकेम एंड ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वे शीघ्र ही रेडियो पर बहुधा सुने जाने वाला शहनाई वादक के
शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान को राष्ट्र को अपनी शहनाई राष्ट्र अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय बने थे, मतलब शहनाई वादक के रूप में प्रथम भारतीय बने। इनके अलावा और कोई शहनाई वादक नहीं था। ही पोरेड हिज हार्ट आउट इन टू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन एडवांस विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू who later gave his famous tryst with destiny speech means 15 अगस्त 1947 के एक कार्यक्रम में उन्होंने लाल किला के श्रोतागण के सम्मुख, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, राग काफी में अपने आत्मा को उड़ेल दिया था उन्होंने। और नेहरू जी ने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, उस भाषण का नाम है टेस्ट विथ डेस्टिनी। मीन्स शहनाई वादन के बाद नेहरू जी ने भाषण दिया था जिसका नाम था टेस्ट विथ डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अबाउट। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से अविस्मरणीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे, भारत में या अन्य विदेशों में भी प्रोग्राम दे चुके हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू बी अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज टू टेकन इन बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर। बिस्मिल्लाह खान ने इस तरीके से भारत तथा विदेश में अनेक अविस्मरणीय कार्यक्रम किए, जिसमें पहले विदेश यात्रा थी अफगानिस्तान की, जहां बादशाह जहीर शाह इस उस्ताद पर इतने मोहित हो गए, वे प्राइसलेस ईरानी कालीन और दूसरे स्मृत चिन्ह उपहार में दिए थे। द किंग अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। मीन्स अफगानिस्तान के राजा बिस्मिल्लाह खां के संगीत से केवल वे ही सम्मोहित नहीं हुए थे, बल्कि अन्य भी हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम ए फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। मीन्स फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने भी उनके संगीत से सम्मोहित हुए थे और अपने एक फिल्म का नाम भी दे दिया था, उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। नेक्स्ट है द फिल्म वाज हिट। फिल्म तो हिट हो गई, फिल्म वाज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशनल वाइड चार्ट बूस्टर। चार्ट बूस्टर का मतलब कीर्तिमान हो गई, नेशनल वाइड का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर यह दिल का खिलौना हाय टूट गया। यह फिल्म यह जो है राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान ध्वस्त करने वाली बन गई। नेक्स्ट है डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस
इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड बिस्मिल्ला खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू टू में सिनेमा जगत में सेल्यूलॉइड वर्ल्ड का मतलब सिनेमा जगत में इस अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्ला खां का फिल्म संगीत का उपक्रम दो तक सीमित ही था। विजय भट्ट, गूंज उठी शहनाई, विक्रम श्रीनिवास, कन्नड़ वेंचर्स नांगधियप्पन्ना, इट जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद द एम्फसिस। वो जोर दे करके कहते हैं विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ उपक्रम सनादियप्पन्ना में कि मैं फिल्म जगत की कृत्रिमता एवं चकाचौंध के साथ नहीं निभा सकता हूं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, मीन्स पुरस्कार व पहचान तीव्रता व प्रचुरता से प्राप्त हुई थी। बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी द इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मिस बिस्मिल्ला खान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले प्रथम भारतीय बने। इनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इन्वाइट किया। ही ऑल्सो टूक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन ए एक्सपोजिशन मैट्रुअल इन द कैनन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका। उन्होंने मैट्रुअल में विश्व प्रदर्शनी, कान कला उत्सव तथा ओसाका व्यापार मेला में भी भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन एडिटोरियम इन द तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मास्क उस्ताद बिस्मिल्ला खान। तो वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान में एक श्रोता कच्छ का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। विश्व स्तर पर वो प्रसिद्ध हो गए हैं तो तेहरान में उनका उनके नाम पर एक श्रोता कच्छ है ऑडिटोरियम कहा गया, ऑडिटोरियम के नाम से रखा गया। तहर मैस्की बिस्मिल्ला खान रखा गया था, उस नाम था तहर मैस्की बिस्मिल्ला खान के नाम से रखा गया था। नेशनल अवार्ड लाए के पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वेयर कॉन्फ्रेड ऑन हिम। उन्होंने पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। विद कवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रियर हैप्पीनेस ही सेड। तो उस चिर प्रतिष्ठित पुरस्कार को मीन्स भारत रत्न को प्राप्त करने के बाद वो अपनी छाती से लगा लिए और आंखों में दुर्लभ प्रसन्नता के साथ उन्होंने कहा, क्या कहा है, ऑल आई वुड लाइक टू से, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, दिस इज हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, या हर एक हिंदुस्तानी की संपन्नतम परंपरा है, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और अब पश्चिम देश के लोग भी हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार की यात्रा कर लेने के पश्चात खान साहब, ही इज फॉन्डली कॉल्ड एज एक्सीडिंग
फांड ऑफ बनारस एंड डुमरान। खान साहब कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक प्यार है तो वह है बनारस से या डुमरान क्षेत्र से है। एंड आई रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार में यह सबसे आश्चर्यजनक नगर है तो वह डुमरान है या वाराणसी है या बनारस है। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू बी हेड शहनाई ऑफ स्कूल इन द यूएसए। यूएसए में एक स्टूडेंट उनका शिष्य था, वो कहता था कि हम शहनाई अपने देश में ला देंगे, वह क्षेत्र ला देंगे, बनारस का क्षेत्र ला देंगे। बट एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिप्लीकेटिंग ऑफ द टेम्पल्स देयर। वह ये भी कहा था कि मैं बनारस जैसे टेम्पल्स को एटमोसफियर यहाँ उत्पन्न कर दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब कहे कि तुम तो रिवर गंगा को ला ही नहीं सकते हो, सबको तो ला सकते हो लेकिन गंगा मैया को नहीं ला सकते हो। लेटर इज रिमेंबर टू हैव सेड। वो कहे कि यह तो केवल याद करने वाली बात है, उनको याद किया जा सकता है गंगा मैया को। दैट इज वाई When ever I am in a foreign country, यही कारण है कि जब मैं कभी foreign country में रहता हूँ तो I keep yearning to see हिंदुस्तान, तो मैं केवल हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ। While in a Mumbai, I think of only बनारस and the holy गंगा। अगर मैं मुंबई में हूँ तब भी मुझे बनारस की चिंता लगी रहती है और पवित्र गंगा मैया की चिंता लगी रहती है। And while in बनारस I miss the unique मठा of डुमरान। और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मुझे डुमरान के मठे याद आते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। मीन्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की संपन्नतम सांस्कृतिक विरासत है। वन दैट effortlessly accept that devote Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। लेकिन ऐसा भक्त नहीं मिला है जो मुस्लिम समुदाय से है, वह प्रत्येक सुबह जो है काशी विश्वनाथ के मंदिर में नए सिरता के साथ शहनाई वादन करता हो। या मुस्लिम लोगों की बात, मुस्लिम समाज के लोग यह तो स्वीकार करते नहीं हैं, लेकिन जो स्वीकार नहीं करते हैं बिस्मिल्लाह खां वह करके दिखलाए हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 90 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 2006 को लंबी बीमारी के कारण उनका देहावसान हो गया। ही वॉज गिवन स्टेट फंडल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ द नेशनल मॉर्निंग। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया गया तथा भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। मैं क्वेश्चन आंसर सभी पीडीएफ के माध्यम से दे चुका हूं। अगर कुछ और भी आपको पूछना है तो मैसेज के माध्यम से आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।